थी म्यूजिक की प्रस्तुति। दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश को जाना तुझे मुबारक हो। हो गई अब तो बेला विदा की सखी, करके श्रृंगार जल्दी सजा दे मुझे, मेरे सजने में कोई कमी ना रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे मुझे। हे सखी कोई मई के सदा ना रहा, हे सखी कोई मई के सदा ना रहा, हर सुहागन को ससुराल जाना पड़ा। अब तो रो न सखी तेरा बेकार है, हंस के डोली में जल्दी बिठा दे मुझे। छूटे माता पिता, छूटे भाई बहन, छूटी बचपन की सखियां मेरी है सखी। अब तो साजन की गलियों में होगा गुजर, दोने वाली चुनरियां ओढ़ा दे मुझे। ये बता दूं कि ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि मतलब कि इसको कम से कम 1 करोड़ लोगों ने इस गाने को सुना। मेरे YouTube पे मुकेश भाई के भी चैनल से सुना है, मेरे भी चैनल से, तो टोटल व्यूअरशिप इसके करोड़ों में गए। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों ने इसको इतना पसंद किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चूड़ी वाली आई मेरे गाँव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां। चूड़ी वाली ये बोली कि लो चूड़ियां। तो ये जो कांच की चूड़ियां हैं, अब हालांकि लोग मार्केट में जाके खरीदते हैं, एक समय था कि मैंने भी वो समय देखा है मेरे गांव में, जब चूड़ी वाली घर पे आती थी चूड़ियां पहनाने, तो सारी माताएं बहनें बाहर आके चूड़ियां पहनती थी। तो कांच की चूड़ियों की क्या वैल्यू है, उसका क्या उसकी महत्वता है, ये बताया गया है इस गीत में। तो चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां। चूड़ी वाली ये बोली कि लो चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां। कांच की चूड़ियां भी गजब चीज है, किस
जुबान से कहूँ ये अजब चीज है, कांच की चूड़ियां भी अजब चीज है, किस जुबान से कहूँ ये अजब चीज है। देखने में तो शीशे की लगती है ये, कितनी माओ के हाथों में सजती है ये। कांच की चूड़ियां देखिए दूर से, इसका रिश्ता है माथे की सिंदूर से। कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है, कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है। दोस्तों ये सुहागन की पहचान है, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, वो कांच की चूड़ियां। ये एक ऐसी कहानी है, ये वाकया कवाली कहते हैं इसे, कि किसी गांव में गरीब आदमी था, उसकी पत्नी उसे रोज कहती थी कि मुझे तुम कांच की चूड़ियां ही हैं मेरे पास और कोई जेवर नहीं है, देखो उसकी माँ ने पहना है, उसकी बीवी ने पहना है, मुझे भी ऐसे लाके दो। तो ये वही कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है ये। था किसी गांव में एक गरीब आदमी, यानी बेबस और बदनसीब आदमी। आज तनख्वाह के उसके पहला दिन था, घर में चारों तरफ खुशियों का बीन था। तनख्वाह जब आई, उसकी पहले दिन की जो तनख्वाह आई, तो बीवी ने कहा, बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, अपनी शादी को कितने बरस हो गए, कान में कचकड़े की भी जेवर नहीं, जिस्म पर मेरे देखो तो तेवर नहीं। जैसे पहनी है उषा और नीलू की माँ, वैसे सोने की कंगन तुला दे मियाँ। कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, हाथ में मेरे जचती नहीं है ये। कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, चूड़ी बेंजो पे, तो इन लोगों का साथ है कि मैं आप लोगों को अपने एक बार मिले।
ने कहा कि मुझे सोने की कंगन ला दो, तो पति ने क्या जवाब दिया उसका? बोला शौहर की सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो सब बात तुझको पता। मुझको मिलता है तनख्वाह में बस 250, उसमें खर्चा है देखो तो इफ़राद नो। अपने घर का किराया भी तो 30 है, उसमें बच्चों के स्कूल की फीस है। माँ महीनों से मेरी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है। कैसे बतलाऊं मैं घर की उलझन तुम्हें, कैसे ला दूं मैं सोने की कंगन तुम्हें। बात शौहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी, बहती सीने से लग कर के कहने लगी। बात शौहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी और वैसी सीने से लग कर के कहने लगी। क्या कहने लगी? तू सलामत रहे, मुझे गम नहीं। तू सलामत रहे, मुझे गम नहीं। मेरे सरताज सोने से कुछ कम नहीं। कांच की चूड़ियां, कांच की